जिनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको अनुपात रिजर्वेशन का मिलना चाहिए, जो कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सब जगह व्यक्ति के को ये लागू होता है। ऐसा भारत के संविधान में माननीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने प्रोविजन कर रखा है, क्योंकि ये जाति के आधार पर चलने वाला देश है। ये जो देश है इसमें जाति और वर्ण व्यवस्था है, तो इसलिए जाति की जनगणना होना, जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि किस जाति के पास किस अनुपात में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बाबा साहब ने ब्रह्मास्त्र पहले से ही दे रखा है, अपना राजा स्वयं बनाओ, और अगर गलत राजा गलती से बन गया तो उसका तख्ता पलट दो। तो ये बाबा साहब का जो वरदान है, बाबा साहब का देवा गिफ्ट है, और ये गिफ्ट नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि अब 2024 में काम करता है। स्नातक को 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो 15,000 कमाने वाले से आप अपनी बेटी का ब्याह कर दोगे? इस महंगाई को देखते हुए तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना भाई। ऐसा है, जब कोई 15,000 कमाने वाले स्नातक से अपनी बेटी नहीं भी आना चाहेगा तो ये स्नातक करेगा क्या? इसके पास सरकारी नौकरी तो है नहीं, सारी सरकारी नौकरी जो है अब खत्म सी होती जा रही है। आवाज़ किसी एक जाति की नहीं है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई हम कितने हैं और सरकारी आंकड़ों में कितने हैं, क्योंकि सब अपनी संख्या करोड़ों में बताते हैं, लेकिन सरकार क्या बोलती है? बिहार तो केवल अभी शुरुआत है, और ये जो जातीय जनगणना वाला ये जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 23 और 24 जुलाई को कार्यक्रम किया था, और उसके साथ साथ जितना वोटिंग प्रोसेस है पूरे भारत में, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा ईवीएम मशीन से ना हो, बैलेट पेपर से हो, लेकिन हमारा प्राइम मुद्दा यही था कि किसी भी प्रकार से जो केंद्र सरकार भी उसको जारी करे, क्योंकि अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी, हालांकि भाजपा सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, लेकिन उस तथ्यों को, उन सच्चाई को, उन आंकड़ों को प्रस्तुत अभी तक नहीं किया गया, लेकिन अब बिल्कुल सही समय आ गया है। अब बिहार से शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं करता, पिछड़े जो है 63% के करीब है, हैरान है आप? ऐसा है, देश के अंदर हर दूसरा व्यक्ति जो है OBC समाज से है, पिछड़े वर्ग से है। इस सत्य को छुपाया जा रहा था, और एक बात बताइए, सारी गवर्नमेंट, सारी सरकारें सारे मुद्दों पे बोलती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना पर कोई सी भी सरकार बोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब हमने इस बात को उठाया दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से, तो उसके बाद जो है बिहार में ये फाइनल हो गया, और उसके बाद अन्य कई राज्यों में, तमिलनाडु में, केरल में, और पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, ये सब जगह जो है जाति जनगणना। क्या हासिल होगा इस आंकड़े से? अरे भाई साहब, आप ये देखिए कि जिनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको अनुपात रिजर्वेशन का मिलना चाहिए, जो कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सब जगह व्यक्ति के को ये लागू होता है। ऐसा भारत के संविधान में माननीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने प्रोविजन कर रखा है। तो ये आंकड़ा जो है ये OBC को लेकर खूब उछाला जा रहा है, तो OBC तो प्रधानमंत्री भी है। ऐसा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और हम प्रधानमंत्री जी पे कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हमने कभी उनको चाय बेचते देखा नहीं। देश में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो कहता हो वो चाय बेचते हो, और केवल जब ये बात आती है वोट लेने की तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है OBC बन जाते हैं, पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं। लेकिन कहीं भी अगर पिछड़ों वाली बात है तो मैं माननीय मोदी जी से आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई पूरे देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, भाई उनका जातिगत जनगणना करवाई जाए, क्योंकि ये जाति के आधार पर चलने वाला देश है। ये जो देश है इसमें जाति और वर्ण व्यवस्था है, तो इसलिए जाति की जनगणना होना, जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि किस जाति के पास किस अनुपात में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, और जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मानव निर्मित भी है और जो शासन प्रशासन द्वारा निर्मित है, किसके पास कितना है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहा जा रहा है ये जाति वो जाति करके आप लोग समाज को जातियों में बांट दे रहे हैं। ऐसा है, जातियों में ये तो सैकड़ों हजारों साल पुराने पहले बट गया था, 6,743 जातियों में ये जो बहुजन है बटा हुआ है। तो ये आपने, मैंने, हमारे पिताजी ने, दादा ने थोड़ी बांटा, ये तो हजारों साल पुरानी प्रथा है। ये प्रथा नहीं, असल में ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति व्यवस्था है। आप हमारे के बगल के जो देश है उनमें चले जाएं, जैसे लंका है और नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 6,743 जातियाँ बना करके हर व्यक्ति को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया गया। हर जाति जो अपनी जाति को ऊंचा बताती है, दूसरे को नीचे बताती है। तो ये जो कभी ना खत्म होने वाली एक जंग है, जो एक शीत युद्ध है, जो जाति और जाति के बीच में चल रहा है, यही हमारे पिछड़ेपन होने का कारण है। और हम जो है इस तो, तो जाति पुरानी बात हो गई, अब तो ये सारे एक छतरी के नीचे आ गए, सारे हिंदू, सारे सनातनी।
भाई साहब सनातनी एक अलग इशू है, सनातनी को आप जो बहुजन मुद्दे से ना जोड़े। बहुजन मुद्दे क्या हैं जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो बहन डॉक्टर रितु सिंह के साथ ये जो एक अनटचेबिलिटी, एक छुआछूत, एक मतलब उनके साथ पक्षपात और उनके ऊपर अत्याचार ये जो हो रहा है उसके विरोध में आपने देखा हजारों की संख्या में मूल निवासी बहुजन उनके सपोर्ट में है। तो आज जो है बहुजन और मूल निवासी इस बात को महसूस करने लगा है क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान के अंदर प्रोविजन दे रखा है कि भाई बाबा साहब का जो पहला मंत्र है बी एडुकेटेड, शिक्षित बनाओ, उसके बाद जो है बड़ा कठोर जो मंत्र है वो है बी यूनाइटेड संगठित। तो आप संगठित जो है ठीक है, बहुजन समाज आप छोटी बड़ी मीटिंग, धरने, विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम करके आज संगठित हो रहा है और इससे क्या है सत्ता में बैठी सरकार को एक भयसा लग गया है कि अगर ये सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे अगर संगठित हो गए तो बाबा साहब का तीसरा मंत्र ना काम करने लगे जाए, कहीं सारे के सारे संघर्ष करने ना लग जाए। क्योंकि अगर उन्होंने संघर्ष किया तो बाबा साहब ने ब्रह्मास्त्र पहले से ही दे रखा है, अपना राजा स्वयं बनाओ और अगर गलत राजा गलती से बन गया तो उसका तख्ता पलट दो। तो ये बाबा साहब का जो वरदान है, बाबा साहब का दिया हुआ गिफ्ट है और ये गिफ्ट नहीं एक ब्रह्मास्त्र है जो कि अब 2024 में काम करे। बिहार सरकार ने ये जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, ये 2024 का नैरेटिव चेंज कर पाएगा? बिल्कुल, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जिस काम की शुरुआत अच्छी हो जाए मान लिया जाता है कि वो आधा हो गया। तो ये जो बिहार से जो शुरुआत हुई है, अभी मैंने आपको कई सारे राज्यों के नाम गिनाए जैसे तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है और राजस्थान है, ये सब जगह ये अभी शुरुआत होने वाली है जातिगत जनगणना की और सब जगह जातिगत जनगणना होगी और केंद्रीय सरकार भी फिर जो है मजबूर हो जाएगी क्योंकि ये आवाज़ किसी एक जाति की नहीं है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई हम कितने हैं और सरकारी आंकड़ों में कितने हैं क्योंकि सब अपनी संख्या करोड़ों में बताते हैं लेकिन सरकार क्या बोलती है, सरकार के क्योंकि जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसकी जो आंकड़े हैं वही सत्य माने जाते हैं क्योंकि वही अप्रूव्ड है। इसलिए जैसे आप अपने समाज की बताएं तो आप करोड़ों में बताएंगे, अरे वो जो सरकारी आंकड़े, तो इसीलिए आज ये पूरे भारत की पुकार है, बहुजन की पुकार है, मूल निवासियों की पुकार है कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम ये भारत सरकार को कहते हैं कि भाई जाति का जनगणना करवाई जाए तो ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। बीजेपी जो सम्मान दे रही थी वो ठीक नहीं है, उनके कैबिनेट में 29 मिनिस्टर हैं, आदिवासी राष्ट्रपति ऐसा है, ऐसा है, सम्मान दिया। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं सम्मान दिया है, अभी अभी जो नई वाली संसद की जो अभी उद्घाटन हुआ है, आप बता दीजिए द्रौपदी मुर्मू जी के जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं आदिवासी समाज से, क्या उनको बुलाया था? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए ना मेरे प्रश्न का, क्या उनको बुलाया था? फिर और जब राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ था तो क्या माननीय रामनाथ कोविंद जी जो उस वक्त राष्ट्रपति थे क्या उनको बुलाया गया था? तो फिर भाई ये पक्षपात हुआ ना, भाई ये भी तो पक्षपात हुआ ना कि राष्ट्रपति को ही आप नहीं बुला रहे और राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है और उसके लिए लोग जाति जाति जो है उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए, ऐसा है देखिए उनके पास जो एजेंडा है वो अपने एजेंडा पर काम करेंगे, जो उनके पास अपना एक मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है चुनाव को लेकर के, वो उस पर काम करेंगे। अब लेकिन आज क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हर व्यक्ति के जेब के अंदर ये यंत्र है जिसको आज मोबाइल कहते हैं, ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर आप देखें सभी के पास सैकड़ों हजारों जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में जानकारी आती है। तो धीरे धीरे अब सच्चाई मालूम पड़ रही है, तो धीरे धीरे जो अब सभी को मालूम पड़ रहा है कि क्या हमारे अधिकार हैं। भागीदारी की बात है या 2024 के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है जाति जनगणना वाला मामला? ऐसा है, ये एजेंडा भी है और ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र का प्राइम मुद्दा है। ये जो इंडिया अलायंस बना है बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो अलायंस में यही मुद्दा प्रथम मतलब उस पर पंक्ति में प्रथम नंबर पर ये लिया गया है, जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर और जितने भी हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे महंगाई है, महंगाई के ऊपर जो है आज सत्तारूढ़ सरकार को बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए। और देखिए ये चमक दमक से कुछ नहीं होता, आप ये बताइए एक स्नातक को, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में खड़े हैं, एक स्नातक को आज क्या तनख्वाह मिलती है? आज स्नातक को 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो 15,000 कमाने वाले से आप अपनी बेटी का ब्याह कर दोगे? इस महंगाई को देखते हुए तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना भाई। ऐसा है
जब कोई 15,000 कमाने वाले स्नातक से अपनी बेटी नहीं भी आना चाहेगा तो ये स्नातक करेगा क्या? इसके बाद सरकारी नौकरी तो है नहीं, सारी सरकारी नौकरी जो है अब ख़त्म सी होती जा रही है। और जितने ये प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस टाइकून्स के हाथ में ये जो सरकारी उपक्रम जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई ओबीसी कैसे लड़ेंगे? बहुजन तो बीजेपी के साथ भी हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो या उधर राजभर हो, तो कैसे लड़ेंगे? ऐसा है, वो लोग ठीक है, उनका क्या अलायंस है, क्या गठबंधन है, क्या गणित है, क्या केमिस्ट्री है, ये तो वही जाने। लेकिन केवल वो और उनके जो कार्यकर्ता हैं वही भारत नहीं है, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। आज आपने देखा, आज जो गरीब आदमी है वो परेशान है, गरीब आदमी महंगाई को लेकर परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उसके परिवार का कुछ नहीं हो रहा। योजनाएं बहुत बन रही है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे सैकड़ों योजनाएं हैं और गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन का भी प्रावधान है, स्कीम है, लेकिन क्या गरीबी का उन्मूलन हो गया है क्या? तो ये जो हम माननीय मोदी जी बहुत ऊँचाई से बात करते हैं लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय मोदी जी को और भाजपा सरकार को कहना चाहूँगा कि तुरंत प्रभाव से गरीबी कम की जाए, बेरोजगारी को समाप्त किया जाए और जाति जनगणना करवाई जाए।